नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टॉप अर्निंग टिप्स में। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर सिंह। दोस्तों, आप बिजनेस करना चाहते हैं इसलिए तमाम तरह के वीडियोस वगैरह देखते हैं। आज हम आपको लेकर के आए हैं स्मॉल बिजनेस सॉल्यूशन, जो कि दिल्ली में स्थित है। इनके पास बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जिनके साथ आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में दिखाएंगे एक ऐसी ही मल्टीपर्पज मशीन जिसके साथ कई सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। तो हमारे साथ हैं कंपनी की मैम, तो वो थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताएंगी। तो चलिए मैम से बात कर लेते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैम, थोड़ा सा बताइए आपकी जो ये मशीन है वो किन किन कामों में यूज होती है, इससे कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं? ये जो आपकी मशीन है, ये बेसिकली हमारी कपूर की मशीन है, कपूर टिक्की मशीन इसका नाम है। इसमें बट ये मल्टीपर्पज मशीन है, इसमें आप 4-in-1 जो है हर तरह की चीजें इससे आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। जैसे मैं बताना चाहूंगी कि हाजमोला की जो टैबलेट्स होती हैं, जो हाजमोला की गोली होती है, वो आप बना सकते हैं इससे। जो आपके नैप्थलीन बॉल्स होते हैं वो आप उसके टैबलेट्स इससे बना सकते हैं। जो आपकी वो होती है कपूर की स्लैब होती है 2x2 की या 3x3 की, वो स्लैब भी आप इसमें बना सकते हैं। और कपूर की जो टिक्की होती है, मीन्स कपूर की जो टैबलेट्स होती है, वो तो आप इस मशीन के थ्रू बना ही सकते हैं। तो 4-in-1 मशीन होती है, सारी चीज जो है आप इसमें बना सकते हैं। बनाने के लिए बस आपको डाई की चेंजेस करनी होती है, जिस तरह का आप डाई लगाते हैं। जैसे आप हाजमोला बनाना चाहते हैं, हाजमोला की डाई लगाई, स्लैब बनाना चाहते हैं कपूर का तो उसकी डाई लगाई। आपको बस डाई चेंज करनी हो और मटेरियल चेंज करना है, जिस तरह से आप वो दोनों चेंज करते हैं उस तरह से आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है। इस मशीन का प्रोडक्शन की बात करी जाए तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसका जो प्रोडक्शन है वो पर आवर कितना होता है, कितना केजी तक हम इसे उत्पादन ले सकते हैं घंटे में, अगर इसको एक घंटे रन किया जाए तो? ये जो आप एक मिनट में इसमें बनाते हैं वो लगभग आपका एक मिनट, अगर आप इस मशीन को चलाते हैं तो आप इसमें 700 से 800 पीसेस एक मिनट में निकाल के तैयार कर लेते हैं, अगर आपका छोटा टैबलेट होता तो। साइजेस बड़े होते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो कैपेसिटी होती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो थोड़ी थोड़ी आपकी कम होती है। तो डिपेंड करता है किस तरह का आपका डाई का साइज होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्शन होता है। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं कि कैम्फर का यानी कि कपूर का कितना ज्यादा उपयोग होता है, आजकल हर जगह इसका उपयोग हो रहा है। तो आप आइए इसको बनाना सीखते हैं कि किस तरह से ये बनाया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है बनाने के लिए। तो चलिए हम आपको मशीन शुरू करके दिखाते हैं इसका प्रोडक्शन, और बाकी की बातें हम इस वीडियो को प्रोसेस के बाद ही आपको दिखाएंगे कि कपूर कैसे बनाया जाता है उसको बनाने के बाद। जैसा कि अभी आपने देखा कि किस तरह इसका उत्पादन किया जा सकता है, तो अभी जो ये कैम्फर आप टैबलेट देख रहे हैं, इनको छोटे छोटे पाउच के अंदर पैक किया जाता है, पैक करके मार्केट में दिया जाता है। आप इसको चाहे तो खुद की रिटेल कर सकते हैं, अगर आपको रिटेल करने में आपको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, इसलिए आप इसकी सुविधा के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आप होलसेलर, अपने शहर के जितने भी होलसेलर हैं उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कीजिए और उनको ज्यादा माल दीजिए, तो आपको मार्जिन थोड़ा कम होगा लेकिन आपका प्रोडक्ट इजीली निकल जाएगा। तो आप जानते हैं कि इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है अगर आप पर डे मशीन को 8 घंटे भी चलाते हैं, तो मैडम से थोड़ा सा जान लेते हैं।
कंपनी की सर प्रॉफिट जो है वो आपका डिपेंड करता है प्रोडक्शन कितना आप करके इसमें देते हैं, मार्केटिंग आपका कैसा है, क्योंकि प्रॉफिट ऐसा नहीं होता कि मशीन जो है वो तो आपको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग मशीन जो है वो आपको सिर्फ प्रोडक्ट जो है वो बना के देती है, बट मार्केटिंग आपको उसका खुद करना पड़ता है, मीन्स आपको खुद अपना मार्केट ढूंढना पड़ता है। बट अगर मैं बात करूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपका अगर टैबलेट का साइज नॉर्मल है और आप अगर एक मिनट में 700 से 800 पीसेस भी बनाते हैं और अगर आप सारा का सारा भी सेल कर देते हो तो एक दिन में आप इजीली जो है वो 5 से 6 हजार एक दिन में आप अर्निंग कर सकते हैं। बाकी आपका डिपेंड करता है अगर आपका मार्केट कैसा है। वैसे तो आप सबको पता ही है कि जो कपूर है, जो कपूर का आपको जो टिक्की होता है या स्लैब होता है वो हर जगह ही आपका यूज होता है। अभी आपके वैसे भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं वहां पे भी आपका इसका यूज होगा, तो आप मीन्स इसके मार्केटिंग में कोई इश्यू नहीं आता कि आपको मतलब मिल नहीं रहा मार्केट या किसको आपको सेल करना है वो नहीं पता चल रहा, ऐसा कोई इसमें इश्यू नहीं आता। बाकी मशीन जो है वो आपकी घरेलू बिजली पर आराम से चल जाती है, कोई आपके इसमें एडिशनल खर्चा भी नहीं लगना है। आपने अभी देखा भी किस तरह से मशीन का यूजेज है, तो आपको लेबर भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लेबर चाहिए आपको या कुछ। बस ये कपूर की टिक्की आपकी बनके तैयार होती है, पाउच जो पैकिंग होती है वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं, उसका भी नंबर जिससे आपको पाउच पैकिंग का मटेरियल मिलता है उसमें आपको पैक करके बस इसको आगे रीसेल करना होता है। तो आप बाकी आप देख ही चुके हैं, अब मैडम से जान लेते हैं कि इसका मशीन का कॉस्ट लगभग कितना आने वाला है। यही आपके पास मॉडल है या इसके अलावा और भी कोई अन्य मॉडल जो आते हैं वो भी हैं या फिर यही है? देखिए सर, ये जो हमारी मशीन है कपूर की, वैसे इसकी स्टार्टिंग होती है 45,000 से, 45,000 से लेकर इसकी मशीन जो है वो 2.5 लाख तक की जाती है। डिपेंड करता है आपको कौन सी मशीन लेनी है, किस तरह का आपका रिक्वायरमेंट है, किस तरह के आपके मार्केटिंग में रिक्वायरमेंट है। जो आपकी ये वाली अगर मैं मशीन की बात करूं तो ये मशीन अभी डिस्काउंट पे 95,000 की चल रही है। बाकी डिस्काउंट ऑफर हमेशा आपका चलता रहता है, जैसे अभी हमारा दिवाली ऑफर चल रहा है, कई बार आपका कोई अगर कोई फेस्टिवल है कुछ भी है तो इस तरह से आपका डिस्काउंट ऑफर चलता रहता है। आपको जो नंबर डिस्प्ले पे शो होगा उस पर आपको कॉल करके एक बार पता करना है कि अभी का क्या डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप जो भी आपको सुटेबल लगेगा उसके अकॉर्डिंग आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो की स्क्रीन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन दोनों जगह आपको कंपनी का नंबर मिल जाएगा, आप वहां से नंबर लेकर के कुछ और जानकारी आप लेना चाहते हैं या कोई सवाल या सुझाव है आपका तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह कंपनी का नंबर हमने दिया हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने देखा कि लगभग 5 से 6 हजार रुपए का आप इससे उत्पादन कर सकते हैं, कमा सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, आप किस तरह प्रोडक्ट को आगे सेल करते हैं, सारा कुछ सेल के ऊपर डिपेंड रहता है। तो आप रिटेल में की बजाय आप होलसेल के ऊपर फोकस कीजिए और आप मशीन लेके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी हर जगह डिमांड रहती है, कभी भी ये कम नहीं होती, कोई भी महीना हो, कोई कुछ भी हो। अभी जैसे फेस्टिवल आने वाला है तो अभी इसकी डिमांड कुछ और ही ज्यादा बढ़ चुकी है, तो आप इस बिजनेस को शुरू करके काफी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप मशीन के बारे में कुछ फिर से कुछ जानना चाह रहे हैं या आपको वीडियो में मिस हो गया है तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा दें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।